परसों की डगर मिले कभी, मुश्किलों का सफर मिले कभी, हादसों की डगर मिले कभी, मुश्किलों का सफर मिले। ये चराग है मेरी राह के, मुझे मंजिलों की तलाश है, मुझे मंजिलों की तलाश है। तलाश है मुझे रास्तों की तलाश है, मुझे रास्तों की तलाश है। ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, आखिर तुम मिड सेशन में हो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बड़ी अजीब बात है, चक्कर क्या है आखिर? पद्मा जी, इसे भरकर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाकर मेरे असिस्टेंट शर्मा जी को दे देना, वो तुम्हारा पासपोर्ट बनवा देंगे। पासपोर्ट? शादी के बाद तुम्हें लंदन जाना है। शादी? इसी महीने की 30 तारीख को तुम्हारी शादी है। 30 की शादी? तुम्हारी शादी सागर से तय की है, और शादी के बाद बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए लंदन जा रहा है, तुम्हें उसके साथ जाना है। शाम तक शादी के कार्ड छपकर आ जाएंगे। तुमने अपनी जिन जिन फ्रेंड्स को बुलाना है उनके नाम शर्मा जी को दे देना। और सुनो, इस संडे के बाद तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। आपने मुझे बुलाया? हाँ, नरेंद्र जी गांव गए हुए हैं, आप वहां जाइए और उन्हें बुलाकर ले आइए, और ये खत भी उन्हें दे देना। असल में इसकी शादी फिक्स हो गई है, नरेंद्र से कहना कि फौरन आ जाए। और उनके वालिद बहुत ज़्यादा बीमार हुए, ता उनका आना बहुत ही ज़रूरी है, और आज ही, चाहे एक ही घंटे के लिए। उनसे कह दीजिएगा कि मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। अंदर ही ले आता, कुछ चाय नाश्ता तो करा देता। अब शहर का है ना, किसी हलवाई की दुकान पर ले गया होगा। पद्मा जी बहुत परेशान है, जुबानी ताकीद किया कि आपको लेता हूं, मगर यहां क्या कहूं। पिताजी बीमार है, कल रात ही मैंने उनसे कहा है कि दिवाली की पूरी छुट्टियां मैं यहीं गुजारूंगा। मगर नरेंद्र भैया, वहां तो बहुत देर हो चुकी होगी, पद्मा जी बिल्कुल बेहाल है। और हाँ, शहनाज आप ने कहा है चाहे 2 घंटे के लिए आपको आना है। देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। मुझे लौटना होगा, शहनाज आपको जाके इत्तला करनी है कि आप मिल गए। मेरे प्रोफेसर को मुझसे कहा है कुछ। पर क्यों?
तुझे पता नहीं रात को दो दफा छाती पकड़ कर बैठ गए थे, अब जाकर जी संभला है और ये कह रहे कि तू इनके पास बैठो और तू बाहर जाने की बात कर रहा। अब रहने दे। माँ जाने थे, कोई जरूरी ही काम होगा, लेते रहो। देखो मैं शहर जा रहा हूँ, जरा माँ का ख्याल रखना। पद्मा ने बुलाया। मैडम क्या ये पूरा 50,000 रुपये आपको भी चाहिए? हाँ जी। मेरे फादर ने ही मुझे चेक दिया तो। वेरी योर फादर? वो तो है नहीं, कोर्ट गए हैं। ओके यू कैन ड्रॉ। जल्दी चलो ना। क्या हुआ? वो शर्मा जी खड़े हैं सामने। शर्मा जी? कौन शर्मा जी? पिताजी के असिस्टेंट खड़े तो हैं, देखो सामने। चलो ना। हाँ। अरे ये कहाँ से आ गए? तुम चलो। हाँ शर्मा जी, देखिए इस महीने की 30 तारीख तक मैं कोर्ट अटेंड नहीं करूंगा, जो रूटीन केसेस हैं वो आप अटेंड कर लीजिए और बाकी के केसेस की अजर्नमेंट ले लीजिए। सर कोई खास बात है क्या? सब ठीक तो है? आप शाम को घर पर आएंगे ना तो मैं सब बता दूंगा। ओके बाय। टैक्सी कर ली? जी हाँ। किसकी है? बिल्कुल भरोसे की, ड्राइवर हमारे यहाँ था पहले, आप इत्मीनान रखिए। चलो आइए आइए आइए, इधर बैठिए। चलो वापस जल्दी जल्दी आना एक होकर। हाँ रहमत करना।
बताती हूँ। क्या बात है? पद्मा भाग गई। पद्मा भाग गई? अभी थोड़ी देर पहले एक आदमी आके चिट्ठी चौकीदार को दे गया। कहाँ जा रहे हो भैया? सलाम अलैकुम सरकार। सलाम। अनीस है? वो तो डिस्पेंसरी में है सरकार। शहनाज कॉलेज से आ गई है? शहनाज तो आज कॉलेज गई नहीं, अंदर है हुजूर। आदाब अंकल। आदाब सर। कैसे हैं आप? तू आज कॉलेज नहीं गई? वो नहीं, हुआ ऐसे ही कुछ, जरा तबीयत ठीक नहीं थी। पद्मा कैसी है? पद्मा ठीक है। अंदर आइए ना। अंदर आइए सरकार। नहीं बस वैसे ही आया था, मैं चलता हूँ। कौन? हेलो आपा जी। आपा जी छोड़े आया? नहीं आपा, मैं उन्हें फ्लाइट पर चढ़ा के आया हूँ, बस पहुँचने ही वाले होंगे। राम राम बेबी, कैसा का है? ठीक। आओ आओ अंदर आओ। मौसी जी कहाँ है? वो और साहब औरंगाबाद गए हैं। औरंगाबाद गए हैं? कब गए? परसों। और आएंगे कब? कल 12 बजे की गाड़ी से। ओह। कमरे खोले हैं, सिर्फ मेम साहब अपना कमरा बंद करके गए हैं। चाय लाऊं? हाँ ले आइए। अच्छा अब क्या करेंगे? कल तक इंतजार कर लेते हैं। कहीं वकील साहब? नहीं वो यहाँ नहीं आएंगे, वो पहले बड़ी मौसी के घर जाएंगे, इनसे इनकी लड़ाई है। लेकिन अगर कल तक मौसी जी नहीं आई तो हम मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे, ठीक है? हेलो, मिस शहनाज हैं। फरमाइए, आप कौन साहब बोल रहे हैं? हमारे पास आपकी गिरफ्तारी के वारंट हैं। What? आपने एक लड़की को भगवाया। लेकिन आप कौन साहब बोल रहे हैं? मैं CBI इंस्पेक्टर यादव बोल रहा हूँ। आपको थाने आना होगा। थाने? जी, अपना जुर्म कबूल कर लीजिए, छोड़ दूंगा। लेकिन मुझे क्या करना होगा? मिलिए कंपनी बाग में। कंपनी बाग में? अभी इसी वक्त, वरना हमें मजबूरन आपके घर आकर अनीस साहब को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। अनीस? नो। थानी? हाँ
हेलो, कौन? आपा, आपा आदाब। मिस शहनाज, आप समझती हैं दूसरों की मदद लेकर बच जाएंगी? देखिए, आप कौन सा आप बोल रहे हैं? देखिए, आप कैसे आ गए इस लाइन पे? जाने मानम लाल देव बोल रहे हैं। हमने नीलम परी के फोन को बस में किया हुआ है। आपा सलीम भाई, अभी आए हैं, बात कीजिए। यू स्काउंडरल, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। जाने मन जान तो आपने निकाली हुई है हमारी। दूसरों को जानी दिलवाती हैं और अपने जानी को अलग रखती हैं। प्लीज मीट मी, आई विल किल यू। हाय, सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए। कौन साहब हैं आप? यहाँ कैसे आए आप? डॉक्टर अनीस का मकान यही है। मकान तो यही है, लेकिन आप कैसे तशरीफ लाए? मैं नरेंद्र से मिलने आया था। अच्छा, मास्टर साहब से मिलने आए। करीम मियां, क्या बात है? मास्टर जी से मिलने आए हैं बिटिया। अच्छा, उन्हें यही भेज दीजिए। नमस्ते जी। नमस्ते। मैं नरेंद्र से मिलने आया था। क्यों, क्या हुआ? जी, उनके पिताजी की अचानक बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। अरे, आप? मैं उनका दोस्त हूँ। अच्छा, लेकिन वो यहाँ नहीं रहते? वो पद्मा जी कहाँ रहती? पद्मा को जानते हैं? जी, वो नरेंद्र ने मुझे उनके बारे में बताया था। अच्छा अच्छा, तो एक काम करिए, आप मेरे साथ जरा पीछे चल के बात करिएगा। आइए आइए, चलिए। उनके वालिद को यहाँ पे क्यों नहीं ले आते? मेरे वालिद असल में डॉक्टर हैं, हम उनको अस्पताल में एडमिट करवा देंगे। देखिए, उनकी हालत बहुत नाजुक है। वो तो ठीक है, लेकिन क्या वो कार में नहीं आ सकते? हम डॉक्टर से पूछ लें। जाकर मैं देखता हूँ। देखिए, मैंने आपको उनका दोस्त समझकर आपको सब कुछ बता दिया। प्लीज़, ये बात लीक नहीं होनी चाहिए। मैं बेहद गिल्टी महसूस कर रही हूँ, और फिर मैं और कर भी कह सकती हूँ। देखिए, आप बिल्कुल फील ना कीजिए, जो भी मुझसे हो पाएगा मैं करूँगा। थैंक यू। से बस यही ला सका। बस यही तो चाहिए थी। पहले मुझे कुछ बन जाने दो, फिर मैं तुम्हारे लिए। मेरे पास सब कुछ है और तुम मुझे सब कुछ दोगे, बस यही नहीं थी। मैंने किसी को कहते सुना था, मेरे पास रेशम की साड़ियां हैं, एक रेशम का वो सूत ला दो जिसे पहनकर मैं सात सुरों की वीणा बन जाऊं। तुमने मुझे ये ला दी, बस
मुझे सब कुछ मिल गया। मौसी जी, मौसी जी वो नहीं आए, वो जो उनके साथ गए थे वो लोग आ गए, बोले कल आएंगे। कल आएंगे? क्या करेंगे? इंतजार नहीं करते, शादी कर लेते हैं। तुम एक पंडित को ले आओ, चाहे घर पे चाहे यहाँ। लेकिन मैं तो यहाँ किसी को जानता नहीं। ओहो, मौसी जी का नौकर तो जानता है, वो तो यहीं का है, वो ले आएगा। मान जाएगा क्या? उसे क्या है, शादी तो मुझे और आपको ही करनी है ना, चाहे हमें पंडित के पास ले जाए चाहे पंडित को यहाँ ले आए। या कल तक का इंतजार कर ले। नहीं नहीं, पिताजी तलाश करते हुए यहाँ तक आ गए तो। नहीं नहीं, हम शादी कर लेते हैं, आओ चलो। जिसे डूब जाने का खौफ हो, कभी अपने घर से चले ही क्यों, करे आंधियों का मुकाबला, जिन्हें साहिलों की तलाश है।